punishment or law. And this story is begin from chapter 191 to 195. And guys, don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience. तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ी देर मीटिंग में अजीब सी खामोशी हो गई। किसी की जुबान से एक वर्ड नहीं निकल रहा था। वही राहुल का मुहूर्त, आंखें दोनों खुला हुआ था। जीतिए सुन गुस्से में बौखलाया हुए खड़ा होके चिल्ला के बोला, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जगह किसी और को देने लिए। कि शायद तुमने सुना नहीं, इन सबने मुझे चुना है किनकी खुर्शी के लिए। समय उस पर अपना सर साइद कर जीत को एक नजर ऊपर से नीचे देख अनजान बनते हुए बोला, सच लेकिन मैंने तो यहाँ किसी के भी मुंह से तुम्हारा नाम नहीं सुना। यहाँ सबने मिस्टर रंजीत राय के बेटे का जिक्र किया तो उस हिसाब से यहाँ उनका लिगला बेटा तो एक ही है, और वो कौन है वो तो तुम भी जानते हो, और मिस्टर मल्होत्रा भी जानते है कि उनका रियल खून कौन है। जीत और भी गुस्से में चिल्ला के बोला, उनका लिगल बेटा सिफेमी हूँ और कोई नहीं। अम्मम, तुम्हारे बोलने से तुम इनके खून नहीं बन जाओगे। तुम इनके बेटे जरूर हो, लेकिन सोतेले खून तो किसी और के हो। और रही बात लिगल बायोलॉजिकल खून की, तो वो राहुल रंजीत राय सिघानिया और मेरी वाइफ तापसी समय मल्होत्रा है। समय ने जीत को सोतेला बता के राहुल तापसी को लिगल होने का नाम दिया, लेकिन तापसी के पीछे उसका नाम दिया। इतना बड़ा सच सुन सब सोकद हो गए। सब रंजीत और जीत की ओर आंखें बरी किए देखने लगे। जीत ये सुन गुस्से से अपना आपा खो दिया। उसने पीछे से गन निकल समय की ओर कर दी। समय गन देखकर भी अपनी जगह से नहीं हिला, ना ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हुए। वो ऐसे ही मुस्कुरा के जीत को देखता रहा, जैसे उसका मजाक बना उड़ा रहा हो। समय पर गन देखा। शेरा राघव, अफान, वरुण, अविरन, केविन ने भी अपनी गन निकाल ली। मीटिंग का पूरा माहौल चेंज हो गया। पहले बातों से धमाके हो रहे थे, अब उसमें गन आ गई। शेरा जीत को देख गुस्से में रंजीत का नाम लेके बोला, रंजीत राय अपने सोतेले बेटे को बोलो गन निच कर ले, वरना मेरी शतक देश तो तुम्हें और तुम्हारे बेटे को इस दुनिया में छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। समय इवल मुस्कुरा के बोल, शेरा। शेरा गन लोड करके कहा, मास्टर इस बार नहीं, मैं कब से इस चमगादड़ को फरफराते देख रहा हूँ। समय, शेरा शांत हो जाइए, कुछ नहीं कर सकता। ये वो दिया है जो बुझने से पहले फरफराता है, इसे बुझाने का जब टाइम आएगा बुझा देंगे। जीत समय की बात सुन गुस्से में चिल्ला के गाली दे के बोला, अबे तू मुझे बुझाएगा, तेरी औकात क्या है, तू होगा अंडरवर्ल्ड का बादशाह, लेकिन ये मेरा इलाका है, यहाँ का किंग में हूँ, समझा। उसकी बात सुन अविरन समय के आगे आके खड़ा होके जीत से बोला, तू यहाँ का किंग तो कया नौकर तक नहीं है, तूने सुना नहीं, अभी तेरे बाप की खुर्शी चली गई और तेरा जो सपना था मेरी जगह लेने का, उस पर समय ने पानी फेर दिया। अब यहाँ का हेड में हूँ और किंग वो रहा, और हमसे भी ऊपर जो फैसला लेगा वो है हॉलीवुड का बादशाह समय मल्होत्रा जी से। तुझे तो क्या यहाँ मौजूद हर इंसान को सर झुका के माननी होगी। फिर विरन सबको देख बोला, आज से माफिया हेड होने के नाते हमारा सारा काम, बिजनेस यहाँ तक इंटरनेशनल काम, सब पर हमारा 50% हिस्सा होगा। हम सब अपना प्रॉफिट का आधा हिस्सा रखेंगे, जो पहले सिर्फ 30% मिलता था, बाकी 70% हेड को मिलता था। जो रंजीत के पास जाता था वो अब आधा आधा होगा। अविरन ने जैसे ही ये कहा सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सबको ये फैसला पसंद आया। वैसे भी वो लोग घाटे में काम करते थे, इसलिए वो लोग लीगल से ज्यादा इनलीगल काम करते थे। अविरन ने कुछ और फैसले बदले, जिसे किसी भी माफिया को प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ तक अविरन के फैसलों से वो लोग तो खुश थे। उसके बाद समय ने सबसे बड़ा फैसला लिया, जिसमें वो अपनी एक कंपनी के प्रोजेक्ट में उन सबको ज्वाइन होने का मौका दिया। समय अविरन के फैसले से सब पूरी तरह उनके साथ आ गए। सबने रंजीत और उसके बेटे को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। रंजीत अपने हाथ से सब कुछ जाने के बाद गुस्से में जीत को लेके वहां से चला गया। जीत जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन अभी वो कुछ कर भी नहीं सकता था, इसलिए उसे वहां से जाना पड़ा। मीटिंग खत्म हो गई। सब मीटिंग के बाद पार्टी में चले गए। नीचे जन्माष्टमी की दही हांडी की प्रतियोगिता
शुरू हो चुकी थी। उपा मीटिंग के दौरान पूरे वक्त तापसी समय की गोद में थी और अब तक तो वो सो भी चुकी थी। समय ने उसे इस तरह पका हुआ था कि उसे कोई तकलीफ ना हो। वही राहुल अभी तक सदमे था। वरुण अविरुण को कॉन्ग्रेस्ट कर समय के पास आके बोला, नोटबेद यार तूने तो एक्सोट में सबको क्लीन बोल्ड कर दिया। वैसे तूने ये सब किया कब? में तो पूरे वक्त तेरे साथ था और तूने इतनी इजीली उस हेड को उसकी खुर्शी से हटाया। साथ ही उसके सोतेले बेटे को माफिया और किंग दोनों से निकाल फेंका। समय तापसी के सर को सहलाते हुए बोला, तुम आम खाओ गुटलियां मत गिनो, अब तुम्हें उसे इस फील्ड के बारे में सिखाना होगा। फिर अविरन से कहा, बच्चा नादान और अनारी भी है, संभाल के सिखाना। अविरन वरुण उसकी बात सुन पीछे बैठे राहुल को देख अपना सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद सब मैदान में आ गए। तापसी अब तक उठ चुकी थी। समय उसे फ्रेश करा के तैयार कर नीचे आ गया। वही राहुल बच्चों की तरह मुंह फुला के वरुण अविरन को घूर रहा था, जो उसे जबरदस्ती माफिया किंग की बातें उसका काम समझा रहे थे। जिसे सुन ना तो दूर राहुल समझना तक नहीं चाहता था। ऊपर से दूसरे माफिया वाले आके उसे बधाई दे रहे थे, जैसे उसने कोई अवार्ड जीता हो। राहुल ना चाहते हुए सबसे हाथ मिला रहा था, क्योंकि समय ने उसके साथ शेरा को रखा था। सब मैदान में आ गए। तापसी अब तक उठ चुकी थी। समय उसे फ्रेश करा के तैयार कर नीचे आ गया। वही राहुल बच्चों की तरह मुंह फुला के वरुण अविरन को घूर रहा था, जो उसे जबरदस्ती माफिया किंग की बातें उसका काम समझा रहे थे। जिसे सुन ना तो दूर राहुल समझना तक नहीं चाहता था। ऊपर से दूसरे माफिया वाले आके उसे बधाई दे रहे थे, जैसे उसने कोई अवार्ड जीता हो। राहुल ना चाहते हुए सबसे हाथ मिला रहा था, क्योंकि समय ने उसके साथ शेरा को रखा था। और शेरा को देख राहुल का मुंह पूरी तरह बना हुआ था, जैसे किसी ने उसके सर पर तलवार रखी है। वरुण को उसकी हालत पर हंसी आ रही थी, जिसे उसने बड़ी मुश्किल के रोक के रखा था। अविरन केविन राघव अफान का भी सेम हाल था, वो लोग भी राहुल को देख हंसना चाहते थे। वरुण राहुल को देखते हुए अविरन से कहा, इस पर ये कहावत बिल्कुल फिट बैठती है, लंगूर के हाथ में अंगूर लगना। अविरन भी मुस्कुरा के बोला, सही कहा बेचारे की पूरी दुनिया एक पल में बदल गई। पीछे से केविन ने कहा, वैसे अब आर्मी वाले इसे रखेंगे या निकाल देंगे, आप फिर ये खुद आर्मी छोड़ेगा। उस पर वरुण ने कहा, ये फैसला तो समय लेगा, वैसे भी इसे आर्मी से निकालना तो मैं भी चाहता था। क्या लेकिन क्यों, तू तो उसका दोस्त है, फिर उसके लिए ऐसा सोचता है? छी, अविरन ने मुंह बना के कहा। उस पर वरुण भी मुंह बना के बोला, अरे यार दोस्त हूँ इसलिए चाहता था कि वो मेरी तरह बने, तुझे पता नहीं जब एक दोस्त लीगल काम करे और दूसरा इनलीगल तो कितनी प्रॉब्लम होती है। हमें अपने ही दोस्त से सब छुपाना पड़ता है, फिर चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल। अविरन ने भी उसकी बात पर अपना सर हां में हिलाया। उसे भी वरुण की बात सही लगी। वही राहुल शेरा के डर से सबसे हंसकर मिल रहा था। कुछ उसे बिजनेस को लेके पूछ रहे थे तो कुछ बिजनेस में पार्टनरशिप का ऑफर दे रहे थे तो वही कुछ ड्रग्स गन की सप्लाई का पूछ रहे थे, जिसके बारे में अविरन को पता था। राहुल को उसका दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं था। वो सिर्फ उनकी बात सुनकर एक ही जवाब दे रहा था, इसके बारे में वो समय से डिस्कस करके बताएगा। अविरन भी केविन के साथ दूसरे बिजनेसमैन से बात करने चला गया। वही वरुण मैदान के पास बने बार के साइड जाके बैठ गया और ड्रिंक करने लगा। ऐसे तो ये जन्माष्टमी का प्रोग्राम था, लेकिन आज वहां माफिया मीटिंग भी थी, इसलिए होटल वालों ने उनके लिए अलग से मैदान से दूर छोटा सा बार टेबल बनाया। वरुण अभी ड्रिंक शुरू ही की थी कि कोया पीछे से आके बोला, लगता है तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। सो सेड वरुण। आवाज सुन उसकी दोनों आईब्रो ज्वाइन हो गई। वो बिना पीछे मुड़े अपनी एक आईब्रो उठा के ड्रिंक का एक सीप लेके ठंडी आवाज में बोला, मेरे दोस्त ने मुझे अकेला छोड़ा है या नहीं उसे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए। माहिरा तुम अपने काम से काम रखोगी, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और तुझे कितनी बार कहा है उसका पीछा छोड़ दे, वो तुझे नहीं मिलेगा, फिर भी उसके पीछे यहाँ आ गई। तुम ये बात जितनी जल्दी हो अपने दिमाग में फिट कर लो तो
अच्छा होगा और यहाँ से चलती बनो समय तुम्हारा तो क्या पूरी दुनिया में उसके अलावा किसी का नहीं होगा। माहिरा जो उसकी बात सुन रही थी उसने गुस्से में अपने हाथों की मुठिया कस ली और जाके उसके पास वाली चेयर पर बैठ गई। वही वरुण बिना उसकी ओर देखे अपनी ड्रिंक करता रहा। चलिए मिलते हैं माहिरा से। माहिरा वेंसल समय वरुण की कॉलेज फ्रेंड और समय के पीछे पागल जीतनी दिखने में अच्छी बनती है उतनी ही अंदर से सा तीर है, ये बात वरुण अच्छे से जानता है, फिर भी वो चुप है क्योंकि माहिरा ने कॉलेज में एक बार समय की जान बचाई थी। उसका एहसान मान वरुण समय को उसके बारे में कुछ नहीं बताता। माहिरा ने समय के सामने खुद को इतना मासूम बनाया है कि जैसे उसके अलावा इस पूरी दुनिया में कोई भी इतना मासूम नहीं होगा। माहिरा एक बड़ी फैमिली से बिलोंग करती है, बाकी बातें आगे पता चलेगी। वरुण ड्रिंक करते हुए उसे पूछा कब आई। माहिरा अपने कॉकटेल के ग्लास पर उंगली घुमाते हुए कहती है आज सुबह। वरुण बिना इमोशन के कैसी हो ठीक हूँ वो कैसा है तुम कैसे हो, माहिरा ने पहले समय के बारे में पूछा। जिसे सुन वरुण कोल्ड नजरों से उसे देखा लेकिन जैसे ही कुछ बोलने वाला था अपनी नजरें सामने करके बोला अपने पीछे देख ले। माहिरा उसकी बात सुन सर टेरा कर पीछे देखा जहां से समय तापसी को लेके आ रहा था एक हाथ से फोन चलाते हुए दूसरा हाथ तापसी की कमर पर रख आ रहा था। समय के करीब तापसी को देख माहिरा की पकड़ ग्लास पर कस गई और अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए मन में खुद से बोली वह तो ये है मेरे और समय के बीच का काटा, लेकिन कोई बात नहीं माहिरा को काटा निकालते बहुत अच्छे से आता है, बहुत जल्द में वह होगी। वो समय तापसी की ओर देखते हुए वरुण से बोली यही है वो। वरुण ने उस ओर देखते हुए जवाब दिया उसकी बटरफ्लाई है। वही समय को वहां देख कुछ बिजनेसमैन उसे बात करने के लिए उसके पास गए लेकिन समय ने उनको हाथ दिखा के रोकते हुए कहा ऑफिस की बात ऑफिस में करेंगे तो बेहतर होगा, यहाँ की मीटिंग ओवर हो गई। समय इतना कहकर मैदान में बने स्टेज की ओर चला गया। जाते हुए उसने शेरा को आंखों से कुछ इशारा किया। वही शेरा इशारा देख तुरंत समझ गया वो उन लोगों को पार्टी एंजॉय करने को कहकर राहुल को लेके वहां से निकल गया। राहुल उन सबसे पीछा छूटने पर चेन की सांस ली। शेरा ने राहुल की ओर देखते हुए कहा आपको स्टेज पर जाके मास्टर के साथ बैठना है, मैं अभी आता हूँ। शेरा इतना कहकर अपने पीछे दो गादोस को देख उधर देके राहुल को समय के पास ले जाने को कहा और खुद वरुण की और आके बोला मास्टर बुला रहे हैं। वरुण उसकी बात सुन अपनी पलके झपका दी। उसने बिना माहिरा को देखे समय के पास चला गया। समय इतना कहकर मैदान में बने स्टेज की ओर चला गया। जाते हुए उसने शेरा को आंखों से कुछ इशारा किया। वही शेरा इशारा देख तुरंत समझ गया वो उन लोगों को पार्टी एंजॉय करने को कहकर राहुल को लेके वहां से निकल गया। राहुल उन सबसे पीछा छूटने पर चेन की सांस ली। शेरा ने राहुल की ओर देखते हुए कहा आपको स्टेज पर जाके मास्टर के साथ बैठना है, मैं अभी आता हूँ। शेरा इतना कहकर अपने पीछे दो गादोस को देख उधर देके राहुल को समय के पास ले जाने को कहा और खुद वरुण की और आके बोला मास्टर बुला रहे हैं। वरुण उसकी बात सुन अपनी पलके झपका दी। उसने बिना माहिरा को देखे समय के पास चला गया। समय स्टेज से एक नजर सब पर फिरा के पीछे खड़े आदमी से बोला शेरा को बोलो और आदमी बुला ले। आदमी जी बोस। वही तापसी पहली बार ऐसा कोई त्योहार इतने सारे लोगों के बीच मना रही थी, वरना आज तक उसने सिर्फ त्योहार के नाम सुने हैं और सिर्फ मिठाई खाई है, कभी ऐसा कुछ किया देखा नहीं। वो समय का हाथ पकड़ अपने आसपास की चीजों देख बहुत खुश थी। समय एक हाथ से तापसी की कमर पर रख दूसरे हाथ में अपना फोन स्क्रॉल कर रहा था। तब तक वह राहुल वरुण भी आ गए। राहुल समय को देख बुरी तरह मुंह बना के उसके साइड की चेयर पर बैठ गया और उसे घूरते हुए कहता है तू आज मुझे एक बात बता दे कि तू मेरा दोस्त है या दुश्मन। उस पर समय ने बिना उसकी ओर देखे बिना इमोशन के बोला जो तुझे ज्यादा पसंद हो वो मान ले तू। राहुल उसकी बात सुन पूरी तरह खींच गया। वरुण उसके कंधे पर हाथ रख अपनी बत्तीसी दिखा के बोला वेलम तू धा माफिया मेरे यार। राहुल उसके इस तरह कांग्रेस करने पर गुस्से में उसे घुर के बोला कौन माफिया, कैसा माफिया, में कोया माफिया
बाफिया नहीं हूँ ये जगह, ये नाम मुझे नहीं चाहिए, तुम ही रखो इसे, कहा। मेरे पीछे आर्मी का नाम था और कहा। अब माफिया का नाम जुड़ गया, लेकिन ये जगह और नाम पहले से तेरा था और अब तो ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता तुझे। माफिया किंग का काम करना होगा, वरुण ने अपने कंधे उचका के ऐसे एक प्रेजेंट बनाए जिसे वो अब सच में कुछ नहीं कर सकता। फिर उसने समय को देख अपनी आंख विंद कर दी। राहुल उसकी बात सुन दोनों को घूर के देखने लगा और दोनों को कोसते हुए बोला, तुम जैसे दोस्त हो तो दुश्मन की कोई जरूरत नहीं होती। उस पर वरुण उसके कंधे को थपथपा के कहता है, कोई नहीं, हम हर जन्म में तेरे दोस्त बनेंगे आएंगे, फिर तुझे कभी दुश्मन की कमी नहीं होने देंगे। इतना कहकर वो हंसने लगा। उसके पीछे खड़े राघव अफान की भी हंसी निकल गई। तापसी उनको हंसता देख पूछा, क्या हुआ, आप सब क्यों हंस रहे हो? वरुण ने हंसते हुए जवाब दिया, क्योंकि आपके प्यारे दादा का प्रमोशन हुआ है लेकिन वो उसे लेना नहीं चाहते। तापसी वरुण की बात सुन राहुल की ओर देख मासवत से बोली, क्यों दादा, आपको प्रमोशन नहीं चाहिए लेकिन आप तो कहते थे जब भी हमें कुछ मिले तो उसे दिल से एक्सेप्ट करना चाहिए। वही तो क्यूटी, हम कब से आपके दादा को ये समझा रहे हैं पर ये है कि समझते ही नहीं और अपनी पुरानी जॉब का नाम लेके रो रहे हैं। वरुण ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा और राहुल की ओर देख अपने दांत दिखा दिए। राहुल ये देख गुस्से में उसका हाथ झटक के समय और उसे घूरते हुए बोला, मुझे तुम दोनों से बात ही नहीं करनी, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, बाय। वो इतना बोल वहां से गुस्से में जाने लगा। वरुण भी उसके पीछे जाते हुए बोला, अरे कहा जा रहा है, मैं भी चलता हूँ, रुक। राहुल स्टेज से उतर के बिना पीछे देखे खिंच के बोला, कोई जरूरत नहीं है, ऐसे कैसे जरूरत नहीं है, मैं तेरा दोस्त और दुश्मन दोनों हूँ, फिर कैसे तुझे अकेला छोड़ दूँ, वरुण ने फिर से हंसते हुए उसके पीछे जाते हुए कहा। समय ने दोनों को जाता देख राघव अफान को उनके पीछे जाने को कहा। तब तक वह दही हांडी की तैयारी पूरी हो चुकी थी, कहीं सारी टोली वह हांडी फोड़ने आई थी, सब एक एक कर कोशिश कर रही थी लेकिन अभी तक कोई भी मिट्टी को छू तक नहीं पाया था। वहां पर तेज म्यूजिक, हर तरह लोगों का शोर, पताखों की आवाज से पूरा मैदान गूंज रहा था, हर तरह एक ही शोर था मच गया, शोर सारी नगरी में, सारी नगरी में। आया बिरज का बाका, संभाल तेरी गगरी रे, मच गया शोर सारी नगरी में, सारी नगरी में। आया बिरज का बाका, संभाल तेरी गगरी रे। तापसी इतना शोर गुल सुन बहुत खुश थी। समय तापसी को इतना खुश देख वो भी खुश था, उसके चेहरे पर भी हल्की स्माइल थी। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। दूसरी ओर इलियाना फोन पर किसी से बात कर रही थी। सामने वाले की बात सुन वो गुस्से में चिल्ला के बोली, वो धहेल, तुम ये क्या बोल रहे हो, मैंने तुम्हें सिर्फ उसे मारने को कहा था, ना कि सबकी जान लेने को। उधर से कुछ ऐसा कहा जिसे सुन इलियाना के हाथ से उसका फोन ही छूट गया। पास खड़ा श्लोक अगर फोन नहीं पकड़ता तो वो नीचे गिर जाता। श्लोक फोन पकड़ के बोला, यू संभाल के अभी फोन गिर जाता। इलियाना इतनी सोकत थी कि उसे श्लोक की बात सुना ही नहीं दी। वो कांपती आवाज में खुद से बोली, ना नहीं, ये मैं नहीं चाहती थी माँ, मुझे कुछ करना होगा वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। श्लोक उसे परेशान देख पूछता है, यू क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? इलियाना खुद से बोली, नहीं मैं उनको कुछ नहीं होने दूंगी, नहीं मैं उनको कुछ नहीं होने दूंगी। वो ये बोलते हुए स्टेज की ओर भागी। श्लोक उसे भागते देख वो भी उसके पीछे भागा। उधर व्योम व्योम की टीम ने दही हांडी फोड़ दी और सब जगह शोर और भी तेज हो गया। स्टेज पर से तापसी व्योम को देख जोर जोर से उसे चीयर कर रही थी। वही समय की आंखें तापसी के मुंह से किसी और का नाम सुन छोटी हो गई। उसकी आंखें लाल हो गई, उसका ओरा शद हो गया। वो उसका हाथ पकड़ उसे अपनी ओर खींच के अपनी गोद में बिठा लिया और बिना भाव के ककौस आवाज में बोला, बटरफ्लाई, मैंने तुम्हें मना किया था ना, तुम्हारे मुंह से किसी भी गैरमद का नाम नहीं निकलना चाहिए। तापसी समय की आवाज सुन डर गई। उसने तुरंत अपनी नजरें झुका ली और डरते हुए समय के सीने से लग गई। समय उसके सीने से लगने से अपनी आंखें बंद कली और अपने गुस्से को शांत करते हुए उसकी पीठ पर हाथ फिरा के बोला,
आगे से ये गलती नहीं होनी चाहिए वरना। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। तापसी उसकी बात पर अपना सर हाँ में हिला दिया। वही इलियाना स्टेज की ओर भागते हुए आने की कोशिश कर रही थी, पर वहाँ भीड़ ज्यादा होने की वजह से वहाँ पहुँच नहीं पा रही थी। वो जहाँ से भी आगे बढ़ने की कोशिश करती, वहाँ भीड़ के कारण आगे नहीं बढ़ पाती। इलियाना यहाँ वहाँ देखते हुए जोर से समय को आवाज लगाने लगी, भाई भाई वहाँ से हट जाओ भाई। श्लोक उसे चिल्लाते हुए देख और भी कंफ्यूज था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो इलियाना को देख स्टेज की ओर देखते हुए बोला, यू क्या हुआ, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो, यहाँ इतना शोर है कि वहाँ तक तुम्हारी आवाज नहीं जाएगी। इलियाना घबराई हुई आवाज में बोली, श्लोक कुछ भी कर मेरे भाई को वहाँ से हटा, वहाँ बोम है जो 5 मिनट में फटने वाला है। बोम, श्लोक सोकद होके बोला। इलियाना ने जैसे ही बोम कहा, श्लोक सोकद हो गया। वो सोकद के मारे उसकी बात रिपीट करके बोला, स्टेज पर बोम है। इलियाना उसका हाथ पकड़ के बोली, देखो मैं अभी तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं बता सकती, लेकिन प्लीज अभी भाई को स्टेज से हटाने में मदद करो प्लीज। तभी वहाँ एक साथ दो आवाज आई, स्टेज पर बूम है। इलियाना श्लोक आवाज सुनते ही पीछे मुड़े, जहाँ वरुण राहुल खड़े थे, दोनों भी श्लोक की तरह सोकद में थे। वरुण राहुल बिना वक्त गवाए स्टेज की ओर भागे, लेकिन वो अभी कुछ कदम ही भागे थे कि उसे पहले वहाँ है तेज धमाका हुआ। धमाका होते ही चारों ओर अफरा तफरी मच गई। वरुण राहुल इल्ताना के कदम वही रुक गए, चारों सोकद में अपनी जगह पर जम गए। धमाका काफी बड़ा था, पूरा स्टेज उस धमाके में उड़ गया। स्टेज के पास खड़े लोग भी उस धमाके में आ गए। हर तरह आग और धुआं था, कुछ भी वहां दिख नहीं रहा था। राहुल वरुण एक साथ चिल्लाए, समय क्यूटी इलियाना भाई। 1 साल 6 महीने बाद बैंकॉक स्काई ब्लू होटल के वीआईपी रूम में एक मीटिंग हो रही थी। उस कमरे में 7 से 8 लोग बैठे हुए थे और उनके सामने 2 आदमी बिना इमोशन के अपने किंग सोफे पर बैठे हुए थे। कमरे का माहौल काफी डार्क था और टेम्परेचर और भी लो था। उन आदमी का ओरा इतना खतरनाक था कि वहां मौजूद सबको एसी में भी पसीने आ रहे थे। उन दोनों आदमी के सामने सोफे पर 6 आदमी बैठे हुए थे और उनके पीछे 2 आदमी खड़े हुए थे। एक आदमी अपनी लाल आंखों से अपने सामने खड़े लोगों को देख बोला, दिल वही होगी और पेशेंट तेज भी वही होगी, मंजूर हो तो साइन को वरना दरवाजा आपके पीछे है। आदमी की बात सुन सामने बैठे आदमी में से एक बोला, ये गलत है मिस्टर ओबेरॉय, आप इस तरह हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकते। हमें अपना माल किसे कितने दाम पर बेचना ये फैसला हमारा होगा। आप हमें 30% देके खुद 70% नहीं ले सकते हैं। उस आदमी की बात सुन बाकी बैठे आदमी भी उसका साथ देके बोलने लगे, बिल्कुल सही कहा, आप इस तरह हमें जबरदस्ती ब्लैकमेल नहीं कर सकते। हम अपनी डील किसी और के साथ कर लेंगे, आप हमें नहीं रोक सकते। आप अपने आदमियों को बोलो हमारी फैमिली को ट्रेस ना करे, हम आपसे डरते नहीं है। वो लोग बोलते रहे थे कि वो डरते नहीं है, लेकिन उसकी जबान उनके चेहरे से बिल्कुल अलग थी। सामने बैठे दोनों आदमी उनकी बात बिना किसी भाव के सुन रहे थे। दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। दोनों के चेहरे के एक्सप्रेशन भी बिल्कुल जीरो थे और आंखें लाल। दोनों के हाथ में एक एक पेपर वेट था जिसे दोनों सिंक में घुमा रहे थे। तभी एक आदमी कमरे आया, उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था जो काफी तेज रो रहा था। उसके रोने की आवाज सुन सबका ध्यान उस ओर चला गया। बच्चा 8 से 9 महीने का होगा। दोनों आदमी की नजरें रोते हुए बच्चे को देख और ठंडी हो गई। आदमी जिसने बच्चे को केरी किया हुआ था, उसने दोनों आदमी की शद आंखें देख डर के मारे अपना सर झुका लिया और धीरे से कहते हुए कहा, सॉरी सर, लेकिन बाबा हमसे चुप नहीं हो रहे। वो कब से रो रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ आना पड़ा। दो आदमी में से एक खड़ा होके बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। बच्चा आदमी की गोद में जाते ही चुप हो गया। सब ये देख सोकत थे। यहाँ तक वो आदमी भी हैरान था। कहा, अभी वो गला फाड़ के रो रहा था और कहा वो आदमी के पास जाके तुरंत चुप हो गया। आदमी ये देख आंखें छोटी कर उसे घूर के बोला, अच्छा तो अब आप हमें काम भी नहीं करने दोगी। डेविल आदमी की आवाज बच्चे से बात करते वक्त और भी ठंडी थी, जिसे सुन वहां मौजूद सबके पसीने छूट गए। लेकिन उस
बच्चे के चेहरे पर स्माइल आ गई। सारे आदमी हैरानी से कभी आदमी को देखते कभी उस बच्चे को देखते रहे। आदमी बच्चे को हंसता देख उसे लेके अपनी चेयर पर बैठ गया। दूसरा आदमी बच्चे को अपनी गोद में लेके भावहीन नजरों से उसके गाल को आए आंसू को साफ करते हुए बोला, क्या हुआ आपको, आप इतनी क्राई बेबी कब से हो गई? जीस पर पहला आदमी बच्ची के गालों पर उंगली से हल्के से टेप करके बोला, आपको लगता है भाई इसके ये आंसू असली होगे? ये जनाब हमारे पास आने के लिए सिर्फ रोने की एक्टिंग कर रही थी और कुछ नहीं। बच्ची आदमी की बात सुन हंसने लगी। उसकी वो छोटी सी स्माइल दोनों आदमी के दिल पर किसी ने बर्फ का ठंडा पानी डाला हो ऐसा काम किया। दोनों ही आदमी उस बच्ची को देख अपना सर हिला दिया और मन में एक साथ बोले, बिल्कुल अपने बाप पर गई है। बच्ची आदमी की बात सुन हंसने लगी। उसकी वो छोटी सी स्माइल दोनों आदमी के दिल पर किसी ने बर्फ का ठंडा पानी डाला हो ऐसा काम किया। दोनों ही आदमी उस बच्ची को देख अपना सर हिला दिया और मन में एक साथ बोले, बिल्कुल अपने बाप पर गई है। पहले आदमी ने उस आदमी से बोल बच्ची के लिए फिट की बोतल लाने को कहा और दूसरे आदमी ने मीटिंग चालू रखी। बच्ची बेबी गर्ल थी। एक आदमी उसे फिट की बोतल से फिट करा रहा था और दूसरा आदमी एक हाथ उसके सर पर फिरा के मीटिंग कर रहा था। मीटिंग 2 घंटे तक चली। उस बीच बच्ची एक बार भी नहीं रोई। वो आदमी को तुकुर तुकुर देखती रही। मीटिंग खत्म होते ही सबने पेपर साइन कर दिए। दोनों आदमी बच्ची को लेके होटल से निकल गए। उनकी कार के साथ 10 और गाड़ी बैंकॉक की सड़कों पर दौड़ रही थी। उन 10 कार के बीच एक ब्लैक रॉयल चल रही थी जिसमें वो दोनों आदमी और उनके बीच रखी बेबी सीट पर वो बच्ची पिंक फ्रॉक में लेती हुई थी। आगे वाली सीट पर वही आदमी बैठा हुआ था जिसने बेबी को कैरी किया हुआ था। आदमी का नाम रूस था। वो पीछे बैठे दोनों आदमी का पर्सनल असिस्टेंट था और अभी बेबी सिटर की ड्यूटी भी कर रहा था। पीछे बैठे आदमी कोया और नहीं अव्योम व्योम थे जो पीछे 1 साल 6 महीनों से बैंकॉक में रह रहे हैं। उस धमाके के बाद दोनों ने मुंबई छोड़ दिया। दूसरी ओर अमेरिका एक बड़े से विला में एक कमरे के बिस्तर पर एक आदमी मशीनों के बीच लेता हुआ था। उस आदमी के चारों ओर मशीनें थी। उसका चेहरा पट्टियों से कवर था। आदमी की आंखें बंद थी और हाथ पैरों में भी पट्टियां थी। उस आदमी का आधा शरीर एक ब्लैक चादर से कवर था और ऊपर का पट्टियों से। कमरे में 2 डॉक्टर और एक लेडी नर्स खड़ी थी जो आदमी को देख रहे थे। उसी वक्त कमरे में एक आदमी और एक लड़की अंदर आए। लड़की लेटे हुए आदमी के पास जाके उसके पट्टियों से कवर चेहरे को हाथ लगा के बोली, और कितना टाइम लगेगा, कब तक ये होश में आएंगे? पीछे खड़े डॉक्टर में से एक ने आगे आके कहा, मैम वो अभी कोमा में है, वो कब होश में आएगी कोई कह नहीं सकता। लड़की डॉक्टर की बात सुन गुस्से में खड़ी होके उसके बिल्कुल करीब जाके उस डॉक्टर के गले पर चाकू रख के बोली, तुम्हें यहाँ इनको होश में लाने को रखा है ना कि मुझे ये फालतू बात बताने, अगर तुमसे ये नहीं होगा तो बता दो, मेरे पास और भी डॉक्टर है। डॉक्टर चाकू को अपने गले पर देख डर से थर थर कांपने लगा। दूसरा डॉक्टर जल्दी से आगे आके बोला, सॉरी मैम मेरे भाई को माफ कर दीजिए, इनसे गलती हो गई, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे और सर को जल्दी होश में ला देंगे। लड़की चाकू को ऐसे ही रखे हुए बोली, मुझे कोशिश नहीं रिजल्ट चाहिए, कुछ भी करो लेकिन इनको होश में लाओ। लड़की के साथ आया हुआ आदमी बोला, अंजलि छोड़ दो इनको, इनको मारने से कुछ नहीं होगा। अंजलि चाकू खेक के बोली, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं एक को मारू चाहे 10 को, मुझे सिर्फ मेरा भाई होश में चाहिए। मैं यहाँ उनसे बदला लेने आई थी लेकिन उनको मारने नहीं, उनको इस बात का एहसास कराने आई थी कि मैं उनकी सगी बहन हूँ जिसे उन लोगों ने अनाथों की तरह जीने के छोड़ दिया। मैं कभी इनकी ये हालत नहीं चाहती थी। आदमी अंजलि के पास आके बोला, जानता हूँ अंजलि, लेकिन मेरी भी बात का यकीन करो, समय को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, उसे तो एहसास भी नहीं होगा कि वो जिसे अपनी बहन कहता है वो उसकी बहन नहीं है। अगर पता होता यो वो पूरी दुनिया खोज के तुम्हें ढूंढ निकालता, वो जितना प्यार इलियाना से करता है वो सब तुम्हें मिलता। अंजलि नम आंखों से बिस्तर पर लेते आदमी को देख रुआसी आवाज में बोली, भाई आपको उठना होगा, आप इस तरह मुझे
फिर से अनाथ नहीं कर सकते आपकी छोटी को, आपकी जरूरत है, मैं जरूर आपसे बदला लेने आई थी लेकिन मैं कभी आपको दर्द नहीं देना चाहती थी, मुझे सिर्फ आपका प्यार चाहिए और कुछ नहीं। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू छलक आए। आदमी अंजलि के कंधे पर हाथ रख उसे अपने सिने से लगा लिया। अंजलि भी उसके सिने पर सर रख के बोली, भाभी का कुछ पता चला? नहीं, मैंने अपने आदमी को पूरे मुंबई अमेरिका में फैलाया है लेकिन अभी तक कुछ भी पता नहीं चला, आदमी ने कहा। अंजलि आदमी की बात सुन अपनी आंखें कसके बंद करी और बोली, भाई को अगर होश में लाना है तो उनका पता करो, है वही है जो इनको ठीक कर सकती है। उस पर आदमी ने सर हिला के कहा, मैं जल्दी से जल्दी उनको ढूंढ निकालूंगा, तुम प्लीज रो मत। अंजलि समय के पास जाके उसका हाथ पकड़ के बोली, अगर उस दिन तुम जल्दी आते तो हम भाई के साथ भाभी को भी वहां से निकाल पाते, कोई और उनको नहीं ले जाता। जीस पर आदमी बोला, जानता हूँ लेकिन उस दिन हमारा प्लेन कुछ और था, लेकिन किसी के धमाके से हमारा प्लेन पूरी तरह बदल गया। हम जहाँ तुम्हारे भाई से तापसी को किडनैप करने वाले थे वही धमाका हुआ और हमें समय को बचाना पड़ा। अंजलि ने उस दिन को याद करके कहा, तुम सही हो, ये सब उस एक धमाके के कारण हुआ है, सिर्फ एक बार उसका नाम पता चले जिसने वो किया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उस पर आदमी भी गुस्से में बोला, उसे जिंदा तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा, उसके कारण मैंने अपना सब कुछ खो दिया है, तो आगे क्या होने वाला है? आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर शेयर करें। अभी कहानी जारी रहेगी। So don't forget to share your review and comment your best part of an story. और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। And if you like my story, so comments your feelings with heart emoji. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।